इकोलॉजी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आप सबको पता है हम प्लांट किंगडम कर रहे हैं, हमने ब्रायोफाइटस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे टेरिडोफाइटस करेंगे। बायोलॉजी के छात्र भी सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेरिडोफाइटस, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम टेरिडोफाइटस का जिक्र करते हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये कूल, डैम्प एंड शेडी एरियाज में पाए जाएंगे। ओके लेकिन इसके साथ साथ एक कंसेप्ट जुड़ गया कि ये सैंडी सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, रेतीली मिट्टी पर भी ये पाए जाते हैं। क्लियर कंसेप्ट? सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस में ये कहाँ पर खड़े हैं? उस प्रोसेस में मुस्कान ये वो पहली वैरायटी मानी गई है वेजिटेशन की जिसके अंदर वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हुआ। तो इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है, क्या होता है इनमें बेटा? वैस्कुलर सिस्टम होता है, जैसे कि पानी ले जाने के लिए वाटर कंडक्ट करने के लिए जाइलम होता है और फूड के लिए फ्लोएम अवेलेबल होता है। तो जाइलम फॉर वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम फॉर द पर्पज ऑफ फूड। तो इसके अंदर वास्कुलर सिस्टम होता है। अब जब वास्कुलर सिस्टम है तो ये प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव कंसेप्ट अपना सकता है ना, तो इसमें रूट स्टेम एंड लीव स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखता है। तो इसकी बॉडी एज कम्पेयर टू ब्रायोफाइटस काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। अब हमें कितनी वेरिएशन समझ आ गई ब्रायोफाइटस के कंपेरेटिवली, इसमें ये वास्कुलर सिस्टम रखता है, ये सब ये सैंडी सॉइल एरियाज में भी पाया जाता है, ये रूट्स स्टेम एंड लीव प्रॉपर रखता है। आई बात समझ में? ये चीज़ें उसमें नहीं हुआ करती थी। क्लियर कंसेप्ट? एवरीबडी ओके इन द लास्ट रो? ओके, अब जब हम इस प्रोसेस के आगे चलते हैं तो इसमें कौन कौन से मेनली आप पौधे पढ़ेंगे, जो पौधे इसमें आपको स्टडी करने हैं कौन कौन से पढ़ सकते हैं आप इसमें? हॉर्सटेल पढ़ेंगे, फर्न के बारे में पढ़ेंगे, हॉर्सटेल पढ़ेंगे, फर्न। मैं बुक ले लेता हूँ, आपको इमेजेस भी दिखाते जाता हूँ, ठीक है? क्योंकि इमेजेस का इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त होगा इसमें। देखिए फर्न की इमेजेस दिखा दीजिए बच्चों को, बच्चों ने वैसे पहले भी देखी होगी, फिर भी दिखा देते हैं एक बार। ये फर्न है, क्लियर? ये सेलाजिनेला है, सेलाजिनेला, घोड़े पूंछ हॉर्सटेल जैसा नज़र आ रहा है ना प्रॉपर, तो इसे सेलाजिनेला कहते हैं और ये फर्न है। अब अगर हम देखें तो सेलाजिनेला है, फर्न है, इनको अगर आप देखें तो घरों में इस्तेमाल करते हैं गमलों में सजाने के लिए, तो ये ऑर्नामेंटल पर्पस, डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी घरों में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर एस्पेक्ट? इनमें दो तरह की पत्तियाँ पाई जाती हैं, अगर छोटी पत्तियाँ पाई गई हैं तो उसे हम कहेंगे माइक्रोफिल्स, फिल क्या होता है? लीव्स, छोटी माने माइक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिल्स पाई जाती है सेलाजिनेला में, सेलाजिनेला आपके सामने हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ सेलाजिनेला के अंदर पाई जाती हैं। और अगर हम बड़ी पत्तियों की बात करें तो ये मैक्रोफिल्स कहलाती हैं और ये फर्न में होती हैं, ये भी आपके सामने हैं। ओके? यस सर, कोई बात नहीं, फर्न में अवेलेबल होती हैं मैक्रोफिल्स। ओके सर, तो ये सारी इसके बारे में डिटेल्स हैं। हॉर्सटेल एंड फर्न मेनली जाने जाते हैं, सेलाजिनेला और फर्न ये दो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। माइक्रोफिल्स सेलाजिनेला से जाने जाते हैं, फर्न माइक्रोफिल से जाने जाते हैं, रूट स्टेम लीव इनमें प्रॉपर होता है। और अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ रूट स्टेम लीव के बारे में, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्लियरली क्लियर हो रहा है आपके सामने। ये देखिए ये सारी ये नोट्स हैं, तभी उन नोट्स से ही आगे स्टेम एक्सटेंड हो रहा है और यहीं से आपको ब्रांचेस भी निकलती नज़र आ रही हैं। ओके, तो ये सारी ब्रांचेस हैं, ये नोट स्टेम ऊपर बढ़ रहा है, ये नोट्स हैं, और ये क्या है ये मैं अभी आपको समझा दूंगा, रूट्स आपको नज़र आ रही हैं। क्लियर एस्पेक्ट? तो रूट स्टेम लीव में ये पूरी तरह से ऑर्गेनाइज हैं। चलिए अब इसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर एक फिगर देखिए, ये आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है जैसे माइक लगा हुआ है ना, बट ये कोन शेप में कुछ होगा, कोन शेप में क्या है इसको ध्यान से देख लीजिए, बस मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों ने ये पौधे देखे हैं क्या, ये पेड़ देखे हैं क्या, आपने देखे होंगे 100%। ये ऑलमोस्ट जलंधर पंजाब में जो घर की हमारी क्यारियाँ होती हैं गार्डन्स, उसमें ये लगा रहता है गमले में, इसको साइकस कहते हैं, साइकस होता है।
और ये भी ऑलमोस्ट जैसे ही आप थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों में जाएं, इनफैक्ट यहाँ पर भी लोगों ने लगा रखा है, इसको पाइन कहते हैं, पाइन, चीर चील के पेड़, पाइन के पेड़, पाइनस, क्या कहते हैं इसको, पाइनस। तो अब इनको ऑब्जर्व करो, इनमें आपको कभी ऐसा नज़र आया है? अनानास जानते हो आप सब? अनानास, अनानास इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? पाइन एप्पल, बोला ना पाइन, तो पाइन, पाइन एप्पल। ऐसे इन पेड़ों पे आपने पहले तो वो जो साइकस निकाल दिखाया था, साइकस में आपको सेंटर में कुछ ग्रो होता नजर आएगा, बड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर ब्राउन कलर का कॉनिकल शेप में, और जब पाइन के पेड़ पे देखेंगे तो लटकती हुई चीज़ें नज़र आएंगी कॉनिकल शेप में। वो लटकती हुई चीज़ें एक तरह की स्ट्रॉबेलाइज हैं। क्या है? स्ट्रॉबेलाइज, स्ट्रॉबेलाइज, मैं स्ट्रॉबेली कहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं स्ट्रॉबेलाय, स्ट्रॉबेलाय कहते हैं, कुछ स्ट्रॉबेलस, कुछ भी कहते हैं स्ट्रॉबेली। ओके, स्पेलिंग ऐसे हैं, स्ट्रॉबेलाय। ओके, ये क्या होता है अभी पता लग जाएगा। हम टेरिडोफाइटा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझने की कोशिश करें तो स्ट्रॉबेलाय भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर एस्पेक्ट, क्योंकि आपने ब्रायोफाइटस बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको टेरिडोफाइटस का रिप्रोडक्शन सिस्टम बस चुटकियों में समझ आ जाएगा, उतनी कोई बड़ी बात ही नहीं। ब्रायोफाइटस में जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसकी जो लाइफ साइकिल है, उसका जो डोमिनेटिंग फेज है वो है गैमेटोफाइटिक प्लांट। जो गैमेटोफाइटिक प्लांट लीव्स हैं वो एक तरह की डोमिनेंट फेज है। क्लियर है ये? लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की तो इसमें जो स्पोरोफाइटिक प्लांट सिस्टम है वो डोमिनेंट फेज है, गैमेटोफाइटिक नहीं। कौन डोमिनेंट है? और ब्रायोफाइटस में कौन था? और अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टेरिडोफाइटा की। चलिए स्पोरोफाइट को समझने की कोशिश करेंगे, वो समझ आएगा, उसके लिए पहले कुछ समझते हैं। जो आपके सामने इस तरह का कॉनिकल, वो सारा स्ट्रक्चर मैंने अभी दिखाया था ना आपको, वो क्या नजर आ रहा है एक्चुअली में? स्पोरोफिल्स होती हैं। फिल्स है तो फिर से बात हो गई, पत्तियां स्पोरोफिल्स होती हैं। स्पोरोफिल्स के साथ ये स्पोरोफिल्स किस तरह की होती हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि आप अगर ध्यान से देखें तो घर में बेड है, अलमीरा है, उनसे हम ड्रॉअर निकालते हैं ना बाहर को, तो ऐसा बेस और ऐसा उसका माउथ होता है ना, तो बस समझिए कि इस तरह की लीव्स हैं और एक एक्सिस है, एक सेंटर में एक्सिस है, उसके साथ ये लीव्स सारी की सारी इस सर्कुलर पैटर्न में लगी हुई हैं। ओके, ये भी ज़्यादा समझ आएगा जब मैं आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊँगा और जब आप देखेंगे कि पाइनएप्पल कैसे काटा जाता है, अनानास कैसे काटा जाता है, तो कटने के बाद उसमें भी आपको ये स्पाइरलिंग इफेक्ट दिख जाएगा। आई बात समझ में? वो कुछ नहीं है, वो एक तरह के त्रिकोणीय तरीके के, ऐसा मानिए कि बर्फ़ी के बड़े सारे टुकड़े हैं, उनको एक सेंट्रल एक्सिस के साथ टच किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, और फिर उनके ऊपर एक एक और लगाए जा रहे हैं, जैसे कुछ घरों में सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, सेंटर में लोहे का पोल होता है सराउंड में ऐसे, पर वो सीढ़ी एक ही है इसलिए हमको कुछ पता नहीं चला, उसके ऊपर एक और लेयर सीढ़ी की लगा दो, एक और लेयर स्टेयर स्टेप्स की लगा दो, एक और, तो एक्सिस छुप जाएगा, सारा कवर्ड हो जाएगा। आई बात समझ में? और वो सारी सीढ़ियाँ तो, लेकिन आप उसमें स्केल्स ड्रॉ कर पाओगे ना, स्केल्स, तो इसलिए जब पाइनएप्पल को अपन छीलते हैं जैसे मछली छीलते हैं वैसे छीला जाता है, वो स्केल्स उतरते हैं ना उसकी बॉडी से, हाँ, तो वो समझ आ जाएगा अभी। तो स्पोरोफिल्स होते हैं, एक ड्रॉअर की तरह है, एक एक्सिस है, उससे ये स्पोरोफिल्स कनेक्टेड हैं। स्पोरोफिल्स एक तरह की पत्तियाँ हैं, स्पोरोफिल्स के ऊपर कनेक्टेड है स्पोरेंजिया, इनके ऊपर कौन कनेक्टेड रहते हैं? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ओके, स्पोरोफिल्स, तो इस तरह के कितने स्पोरोफिल्स हैं, उनके साथ कितने सारे स्पोरेंजिया, तो ये पूरा का पूरा क्या स्पोरेंजियम आपका क्रिएट हो गया, पूरा का पूरा क्या क्रिएट हो गया, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। अब ये जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर कई सारे क्या अवेलेबल होंगे, स्पोरोफाइट्स, स्पोरोसाइट्स, साइट्स से सेल है ना, लैटिन भाषा, स्पोरोसाइट्स अवेलेबल होंगे। मैंने स्पोरोसाइट्स क्यों बोला, इनको स्पोर क्यों नहीं बोला, क्योंकि नेचुरल सी बात है ये 2n डिप्लॉयड वर्जन में पड़े होंगे, ये डिप्लॉयड होंगे ना, डिप्लॉयड क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट है अल्टीमेटली, ये जो
पूरा का पूरा आपके सामने ये इस तरह का स्ट्रक्चर जो मैंने बुक में आपको दिखाया था, ये जो कोन आपके सामने प्रॉपर बना है, ये किसके ऊपर बना है? ये कंप्लीट स्पोरोफाइट कहलाता है। कंप्लीट क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट कहलाता है। तो स्पोरोफाइट एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, और ये किससे बनी? गैमिटोफाइट से ही बनी। गैमिटोफाइट हुआ करता था ना, वो अभी साइकिल में समझ आएगा। तो यहीं से स्पोर्स निकलेंगे ना। तो स्पोरोफिल्स के साथ सबटेंडेड हैं, जुड़ी हुई हैं स्पोरेंजिया। सारे स्पोरोफिल्स स्पोरेंजिया हो गया, स्पोरेंजियम, इसको स्पोरेंजियम भी कह दिया हमने। और इन स्पोरेंजियम्स में रहते हैं स्पोरोसाइट्स जो कि डेप्लॉइड हैं। तो अब ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों को जब अलग करेंगे तो उनको अलग करेंगे तो हो जाएगा मेयोसिस। मेयोसिस हो गया ना, मेयोसिस हो गया ना, क्लियर है? दो चीज़ों को अलग कर दिया। तो ये डिप्लॉइड है इसलिए इसको हैप्लॉइड में बदलना ही पड़ेगा, तो मेयोसिस होना तय है इसका। आएगा समझ में? क्यों हैप्लॉइड में बदलना पड़ेगा? उसका एक कारण है, क्योंकि अगर ये डिप्लॉइड ही इस तरह से यहाँ से जाएगा तो फिर आगे जर्मिनेशन होके क्या डिफिकल्टी आएगी वो भी प्रूव हो जाएगा। तो एक सिंगल हैप्लॉइड स्पोर बनेगा। तो जब ये हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा तब इसको अपन क्या कहेंगे? स्पोर। अब स्पोर बना है, ये स्पोर अब बना है। स्पोरोफिल्स के साथ जुड़े हुए हैं, सबटेंडेंट है स्पोरेंजियाज, सारे स्पोरोफिल और उनपे जुड़े हुए स्पोरेंजिया, ये एक्चुअल में हो गया स्पोरेंजियम सारा। उनके अंदर क्या पड़े हुए हैं? स्पोरोसाइट्स, और स्पोरोसाइट्स डिप्लॉइड होते हैं, 2n होता है उसमें, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं। तो उसको पहले हैप्लॉइड में बदलना पड़ेगा, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम में बदलना पड़ेगा। जब वो ऐसा कर लेगा तब वो कहलाएगा स्पोर। वो स्पोर यहाँ से हवा के जरिए आएगा, याद रखें हवा के जरिए स्पोर आ गया, स्पोर आके यहाँ पे पड़ा, और इस स्पोर को अब यहाँ पे जर्मिनेट होने के लिए चाहिए पानी। वाटर, जब इसके वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तब ये जर्मिनेट होगा, इसीलिए पानी की आवश्यकता रहती है, इसलिए इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट लिमिटेड रहता है। आपको ये वाटर बॉडीज़ के अराउंड ही मिलेगा। आई बात समझ में? जैसे ही पानी इसको पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? जर्मिनेट। जब ये जर्मिनेट होगा तो ये क्या बनाएगा? ये एक थैलस बॉडी क्रिएट करेगा जिसके ट्रू स्टेम्स, ट्रू लीव और ट्रू रूट्स नहीं हैं। ये जो थैलस बॉडी है, ये थैलस बॉडी एक तरह की आगे जा करके पूरे के पूरे ट्रू स्टेम, ट्रू लीव और ट्रू रूट सिस्टम को जन्म देने वाली है ना, जन्म देने वाली है ना। तो इसको अपन प्रोथैलस कह के कंसिडर कर रहे हैं। आई बात समझ में? प्रोथैलस, क्योंकि ये यहीं से आगे बढ़ जाएगा काम, ये प्रॉपर थैलस स्टेज में ही नहीं रहने वाला, ये यहीं से एक रूट स्टेम लीव स्टेज में जाना है। तो ये प्रोथैलस कंसेप्ट में है। इसको अगर हम कहें तो इसे हमने थैलाई भी कह दिया। क्लियर है? तो ये जो है इसके ऊपर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम क्या कहते हैं? एंथेरिडियम। और यहां पर आपको नजर आ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं आर्केगोनियम। तो क्योंकि इसके पास, इसने आर्केगोनियम और एंथेरिडियम, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों होल्ड कर रखे हैं, तो दोनों रिप्रोडक्टिव सेल इसी पे पैदा होंगे, माने दोनों गैमीट्स यहीं पे बनेंगे। इसलिए इसको, क्योंकि ये प्लांट कैटेगरी का है तो फाइटा, और क्योंकि गैमीट्स दोनों इसी पे है तो गैमिटोफाइट, तो गैमिटोफाइट बना। ओके, प्रोथैलस गैमिटोफाइट इसको अपन कह सकते हैं, या गैमिटोफाइट थैलाई बना। आगे बात समझ में? अब इसमें क्या होगा, ये जो एंथ्रीडियम है ये प्रोड्यूस करेगा एंथ्रेजॉइड। लेकिन एंथ्रीडियम क्या मतलब? एंथ्रीडियम जब यहाँ पर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपको एक लगभग पेनिस शेप की एक बॉडी नज़र आती है, जिसके अराउंड एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर रहती है, और उसके अंदर आपको मिलते हैं एंड्रोसाइट्स। उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं? एंड्रोसाइट्स। और एंड्रोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंथ्रेजॉइड्स। क्या पढ़ते हैं? एंथ्रेजॉइड। अब अगर यहां से
ये स्पोरोसाइट जो कि डिप्लॉइड था, ये एज इट इज आकर के यहाँ पर जर्मिनेट होता तो ये एक डिप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाता, और डिप्लॉइड गैमेटोफाइट में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रेजॉइड प्रोड्यूस करता वो भी डिप्लॉइड ही होते, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फर्दर एग बनाता वो भी डिप्लॉइड होता। तो डिप्लॉइड और डिप्लॉइड में अगर फ्यूजन होता तो अल्टीमेटली प्लांट कैरेक्टर ही बदल जाना था, वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाने थे जीन स्पीशीज, तो चीज़ें बदल जानी थी। इसलिए मदर से आधे आते हैं, फादर से आते आते हैं आधे गुण आते हैं, और सेम ह्यूमन स्पीशीज का कंसेप्ट आगे बढ़ता रहता है। आई बात समझ में? इसलिए इसको डिप्लॉइड कंडीशन से हैप्लॉइड होना ही पड़ेगा उसको अपनी रिडक्शनल डिवीजन करके। तो दो से एक एक हो गए तो रिडक्शन हुआ, रिडक्शन डिवीजन के माध्यम से हुआ, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं मायोसिस को। आई बात समझ में? रिडक्शनल डिवीजन क्यों हुआ, क्यों कहा इसे, क्योंकि दो से एक हुए हैं, और दो से एक हुए हैं तो रिड्यूस भी हुए, दो से एक एक हो गए और हुए हैं डिवाइड के माध्यम से, तो डिवीजन है। तो मायोसिस करना जरूरी है तभी हैप्लॉइड स्पोर बने। तो स्पोर बनने के लिए स्पोरोसाइड चाहिए अपन को, समझ आई? स्पोरोसाइट डिप्लॉइड होते हैं, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड स्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो गैमेटोफाइट बना, वो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था। इसलिए टेरिडोफाइट अपने आप में यूनिक हैं। टेरिडोफाइट में आपको एक समय में ही दो चीजें दिख रही हैं, डिप्लॉइड हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, दैट इज डिप्लॉइडिक हैप्लॉइडिक कंडीशन। ओके, ऐसे में अब ये जो गैमेटोफाइट है, इस गैमेटोफाइट में होगा क्या, ये जो एंथ्रेजॉइड है, एंथ्रेजॉइड जा करके किसको रिसीव होगा, आपको ये सारा प्रोसेस मैंने ब्रायोफाइटस में पढ़ाया था कि जब मैंने इसकी डिस्कशन की फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, ये आर्केगोनियम है, और आर्केगोनियम हमने पढ़ा था फ्लास्क शेप में अवेलेबल है, और इसमें अगर हम देखें तो इसकी ये नेक है, इसका ये वेंट्रल रीजन है, ये स्टार्क रीजन है, इस स्टार्क रीजन के तहत ही ये गैमेटोफाइट से कनेक्टेड रहेगा। अब अल्टीमेटली इसमें हमने देखा कि एक वेंट्रल कनाल होती है, और यहाँ पर हमने देखा एग पड़ा रहता है, और ऐसे में जब वहाँ से ये एंथ्रेजॉइड जब इस पर्टिकुलर रीजन को रीच करेगा, हमने ये भी पढ़ा था कि कुछ अट्रैक्टेंट्स रिलीज होते हैं और उन अट्रैक्टेंट्स के माध्यम से ये रिसीव हो जाएगा, तो होगा क्या कि वर्षा होगी या वेपर्स अवेलेबल रहेंगे, एंथ्रेजॉइड उस वर्षा की बूंदों में ट्रैप हो जाएंगे, और वो वर्षा की बूंदें जब यहाँ पर आकर के पड़ेंगी, रेन की जब स्प्लैश यहाँ पर फॉल करेगी आकर के, तो अल्टीमेटली उसमें से रिलीज जब हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे रिलीज, अट्रैक्टेंट्स तो रिलीज हो रहे हैं लेकिन रिलीज हो जाएंगे एंथ्रेजॉइड्स, और एंथ्रेजॉइड इस वेंट्रल कनाल के थ्रू यहाँ पर जाकर के फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा, जायगॉट। जायगॉट जब फॉर्म होगा तो वो अपने साइज में ग्रो करना शुरू करेगा, लेकिन यहाँ पर अब आपको एक बात समझनी है, इतने जब ये जायगॉट एक्सटेंड होगा, ये बहुत तेजी से एक्सटेंड होकर के जमीन में चला जाएगा, अपनी रूट्स डेवलप कर लेगा, सेटा की जगह यहाँ पे स्टेम हो जाएंगी, फुट की जगह यहाँ पर रूट आ जाएगी, और कैप्सूल की जगह यहाँ पर जितना भी ऊपर का लीव सिस्टम है वो सारा कुछ डेवलप हो जाएगा। आई बात समझ में? और वो जो लीव्स हैं, लीव्स इतनी को कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, उनके कॉम्पैक्ट वर्जन, एक एक्सट्रीम कॉम्पैक्ट वर्जन, जिनको स्पोरोफाइल्स हमने बोला, उन स्पोरोफाइल्स के साथ कनेक्टेड है स्पोरेंजियास, तो वो कॉम्पैक्टेड वर्जन ऑफ द लीव्स को अपन कह रहे हैं एक कोन, और जिसको अपन ने बोला स्ट्रोबेलाई, इज अ कॉम्पैक्ट वर्जन ऑफ द लीव्स। ओके, और ऐसे में ये पूरी की पूरी बॉडी जो हमारे सामने निकल के आई वो हो गई स्पोरोफाइट। तो शुरुआती थोड़ी देर के लिए अपने न्यूट्रिशन के लिए ये उस गैमेटोफाइट पे डिपेंड थी जिस गैमेटोफाइट पे ये पैदा हुई, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गैमेटोफाइट पे था आर्केगोनियम, और यहीं पर आकर के एंथ्रेजॉइड रिसीव हुआ किसको, फ्लास्क शेप आर्केगोनियम को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और आर्केगोनियम में ही वेंट्रल में पड़ा हुआ था एक एग, तो एग के साथ जब वो एंथ्रेजॉइड फ्यूज हुआ तो वो बन गया जायगॉट, और जायगॉट फिर से एंथ्रेजॉइड आया हैप्लॉइड एन, एग भी हैप्लॉइड एन, दोनों मिले तो हो गया 2N, तो डायप्लॉइड जायगॉट बना, और वो डायप्लॉइड जायगॉट जब एक्सटेंड होना शुरू हुआ, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हुआ, उसने अपनी रूट्स भी बना ली, स्टेम, और आगे बढ़ गया वो,
और आगे बन गया आपके सामने स्ट्रॉबलाइज। तो कुल मिलाकर के थोड़े समय के लिए, तो जब ये ग्रोइंग पीरियड में था तो ये डिपेंड कर गया गेमेटोफाइट पे अपने न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि गेमेटोफाइट ही करेगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ये अपनी रूट्स जब जमीन में धसा लेगा, बना लेगा, तो ये इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट हो जाएगा, फिर इसे गेमेटोफाइट की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल का डोमिनेटिंग फेज स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट से ही स्पोरोसाइट्स आए, स्पोरोसाइट्स से स्पोर्स आए, स्पोर्स ने गैमीट बनाया, गैमीटोफाइट जिसको हमने प्रोथैलस बोला, गैमीटोफाइट पे मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में रिलेशन बने, अल्टीमेटली स्पोरोफाइट पैदा हुआ। और स्पोरोफाइट शुरुआती समय में गैमीटोफाइट पे डिपेंड था, लेकिन अब स्पोरोफाइट इंडिविजुअल है और वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए टेरिडोफाइट में आपसे कोई पूछे कि स्पोरोफाइट क्या होता है, तो आप कहेंगे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, थोड़ी देर के लिए डिपेंडेंट फिर इंडिपेंडेंट। वो अपनी इंडिपेंडेंट सर्वाइव कर सकता है, अपनी इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस करता है, उस पे, उसे गेमिटोफाइट पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। और इसी की वजह से वही फिर आगे स्पोर देगा, तो स्पोर से गेमिटोफाइट बनेगा। तो यहाँ पे स्पोरोफाइट पे गेमिटोफाइट डिपेंडेंट है, और बिगिनिंग से एंड तक स्पोरोफाइट ही लाइफ साइकिल का मेन फेज है। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो गई? ये साइकिल एंडलेसली इसी तरह से चलता चला जाएगा। फिर इसके टॉप के ऊपर फिर से वही कौन स्ट्रॉबलाई बन गया, ये पूरा का पूरा एक बड़ा स्पोरोफाइट बन गया। स्पोरोफाइट इज अ मल्टी सेलुलर बॉडी, जाइगोट से ही एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनता है। और वो स्पोरोफाइट से क्या निकलेंगे, स्पोरोफाइट के अंदर क्या होंगे, स्पोरोफाइट जो हमने पूरा बनाया, ये एक तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसमें स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजियम सारा का सारा, और उसमें होते हैं स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स डिप्लॉयड ही होंगे, क्योंकि जाइगोट ही एक तरह का स्पोरोसाइट भी बन गया ना। तो जब वो डिप्लॉयड होंगे तो उनको मेयोसिस करना है, और मेयोसिस के थ्रू वो बदलेंगे हैप्लॉयड में, और वो स्पोर कहलाएंगे। और वो स्पोर आकर के ज़मीन में जब धंसेगा तो वहाँ से गेमिटोफाइट बनेगा, जो प्रोथैलस है। आई बात समझ में? इस प्रोसेस के तहत ये काम चलता है। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्केगोनियम। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें एक गेमिटोफाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एंथ्रीडियम होगा या आर्केगोनियम होगा। आई बात समझ में? तो अब अगर हम ध्यान से नोटिस करें तो कुछ स्पोरोफाइट जो हैं उनके स्पोर्स होमोजीनियस हैं, मतलब सेम साइज के स्पोर बना रहे हैं वो, तो उनको हम कहेंगे होमोस्पोरस। और जो डिफरेंट साइज के स्पोर्स बना रहे हैं उनको हम कहेंगे हेट्रोस्पोरस। जो डिफरेंट साइज के स्पोर बन रहे हैं उसमें जो बड़े साइज के स्पोर हैं, बिग साइज स्पोर्स हैं, वो बनाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, यानी कि फीमेल गैमिटोफाइट्स। और जो स्मॉल साइज के स्पोर्स बन रहे हैं वो बनेंगे मेल गैमिटोफाइट्स। आई बात समझ में? तो मेल गैमिटोफाइट और फीमेल गैमिटोफाइट, मैंने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्शन स्मॉल साइज सेल्स, फीमेल रिप्रोडक्शन बिग साइज सेल्स। जो बिग गैमीट्स हैं वो फीमेल हैं, जो स्मॉल गैमीट्स हैं वो मेल हैं। आई बात समझ में? अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आर्केगोनियम के अंदर जायगोट डेवलप हुआ एंथ्रेजॉइड और एग के फ्यूजन से। आर्केगोनियम था फ्लास्क शेप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल, उसमें एंथ्रेजॉइड आया एंथ्रीडियम से, वो वेंट्रल कनाल के थ्रू एग को रिसीव होता, फ्यूजन हो गया तो जाइगोट बन गया। जाइगोट ही एम्ब्रियो में बदल रहा है, एम्ब्रियो ही आगे जाकर के फिर पूरा का पूरा स्पोरोफाइट बन गया, और स्पोरोफाइट में स्ट्रोबलाई बन रहा है, और स्ट्रोबलाई से ही आपको मिलेंगे अल्टीमेटली फिर से स्पोर्स, जो फिर से जर्मिनेट होकर के गेमिटोफाइट बनाएंगे। तो ये एक तरह से आप जब कहते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फर्दर ग्रोथ, तो ये आने वाले समय में एक प्रिमिटिव वर्जन हो गया सीड बेस्ड प्लांट का। तो यहीं से नई एवोल्यूशन हो जाएगी। आई बात समझ में? बीज वाले पौधे बनने शुरू हो जाएंगे अब आगे जा करके एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। इतना प्रोसेस हमको समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस यही कुछ वर्ड्स हमने सुने। इसका यूज़ मेडिसिनल पर्पसेस के लिए होता है, इसका यूज़ आप ज़मीन को बाउंड, सॉइल को बाउंड करने के लिए भी होता है कि सॉइल इरोजन ना हो सके, और ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए इसका यूज़ होता है। मैक्रोफिल्स माइक्रोफिल्स का कंसेप्ट आपको इनको क्लियर हो गया, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, अब हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि अब जैसे आपको टेरिडोफाइटा में सबसे पहले ऑब्जर्व हुए वैस्कुलर सिस्टम, अब आपको सबसे पहले ऑब्जर्व होंगे सीड्स। अब सीड्स बेस्ड प्रोडक्शन होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अब पहला सिस्टम नहीं रह जाएगा,
पर हर पिछली चीज़ आगे कैरी तो होती है, वो प्रोसेस डेवलप होता है ना, इसीलिए तो इसे एवोल्यूशनरी माना जाता है ना। तो हम एवोल्यूशन की बात करते हैं, एवोल्यूशन में खासियत ये है कि पिछली प्रोसेसेस ही डेवलप होते हैं। चलिए, जिम्नोस्पर्म ग्रीक वर्ड है, जिम वर्ड का मतलब है ये नेकेड है, तो यानी कि इसके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी, बोथ स्टेजेस में ही ये सीड नेकेड रहेंगे, यानी कि सीड्स जो हैं ये फ्रूट के थ्रू कवर्ड नहीं रहते, सीड्स के अराउंड फ्रूट नहीं रहता है। ये बात क्लियर हो गई। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ वेजिटेशन मिलती है, इसमें आपको श्रब्स भी मिलेंगे, लेकिन मेजॉरली इसमें आपको टॉल एंड मीडियम हाइट के ट्रीज मिलेंगे। आई बात समझ में? अगर हम इसकी बात करें कि इसमें टॉल हाइट के कौन से मिलते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेड ट्री जिसे हम सेक्वा ट्री भी कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट ट्री है, इक्वेटोरियल रीजन के अराउंड भी हमें मिलता है ये ट्री जो है, ये वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज की कैटेगरी में काम होता है। अगर मेजॉरली ट्रीज की अगर हम बात करें जो इसमें मिलते हैं, वो हमें मोस्टली पाइन की कैटेगरी में मिलेंगे, जैसे पाइन ट्रीज आपको ऑब्जर्व होते हैं जब आप हाई आल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं या हाई लैटीट्यूड्स में आप जाते हैं। सिदार के पेड़ मिल जाएंगे इसके अंदर, सिदार हैं, पाइन ट्रीज हैं। तो कॉनिफेरस ट्रीज इसमें मिलते हैं जब हम हाई आल्टीट्यूड एरियाज में जाते हैं जहाँ पर पानी की कमी रहेगी, तो इसलिए इसकी लीव्स जो है आपको क्लाइमेटिक एडेप्टेशन के प्रोसेस में नज़र आती हैं। लीव्स नीडल शेप होती हैं, इसलिए होती हैं कि सरफेस एरिया कम हो तो फोटोसिंथेसिस कम हो, यानी कि इवेपोरेशन फिर कम होगा। सेकेंड, जो स्ट्रोमेटा रहेगा वो संकन रहता है, इतना ऑब्जर्वेबल स्ट्रोमेटा यानी कि सुपरफिशियल नहीं होता, संकन स्ट्रोमेटा होता है, दबा रहता है, अंदर की तरफ होता है लीफ में, इसकी वजह से उसका एक्सपोजर कम होता है सनलाइट को, इसकी वजह से भी वेपो ट्रांसपिरेशन कम होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, नीव की लीव्स की ऑलवेज जो झुकाव जो कॉनिकल ट्री का रहेगा वो इस तरह से नीडल शेप इसलिए भी रहती है कि बर्फ़ तुरंत पिघल, बर्फ़ तुरंत फिसल जाए उसके सरफेस से, इसलिए लीव्स आपको थोड़ी वैक्सी भी नज़र आएंगी। एक तो इवेपोरेशन रोकना है तभी भी वैक्सी है, जब पेड़ के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इवेपो ट्रांसपिरेशन होता है ये, और दूसरा कि जो आइस है वो जो स्नो है वो फ्लोट कर जाए, निकल जाए वहाँ से। आई बात समझ में? अगला कॉन्सेप्ट, सन की लाइट के साथ एंगल कुछ ऐसा बनता है कि सीधा इंसिडेंस प्रॉपर नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी वेपर ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। इस तरह की क्लाइमेटिक अडेप्टेशन आपको इसमें नज़र आती हैं। आई बात समझ में? इसमें आपको ब्रांच्ड भी मिल जाएंगे पेड़ और अनब्रांच्ड भी मिल जाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने हैं, जब हम ब्रांच्ड की बात करेंगे तो ये देखिए ब्रांच्ड अनब्रांच्ड में जो पाइन ट्री है यानी कि जो पाइनस है वो ब्रांच्ड है, आपको इसकी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं प्रॉपर ब्रांच, और उस पर गुच्छे बन के छल्ले छल्ले बन के लटके होंगे। और दूसरा जो साइकस है ये अनब्रांच्ड है, साइकस गमले में लगा होता है तो आप देखेंगे इसमें ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांच्ड है। आई बात समझ में? जो साइकस हैं इसकी लीव्स जो होती हैं ये पिनेट स्टाइल में होती हैं, पिनेट मतलब कि ये लीव्स साइकस के लिए भी इसी तरह से निकलती हैं, पिनेट स्टाइल में होती हैं, और उसमें एक आपको टर्मिनल लीव भी सामने नजर आती है। ओके, तो ये एक इसका सिस्टम पाया जाता है। तो ब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। अब इनकी जो रूट्स होती हैं वो कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन में भी पाई जाती हैं, जैसे जब ये फंगस के साथ एसोसिएशन में पाई जाएंगी तो वो रूट ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है उसे कहा जाएगा माइक्रोरिजिया, यानी कि जब फंगस के साथ एसोसिएटेड पाई जाएंगी रूट्स तो वो रूट ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी क्लियर। और जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ पाई जाएंगी तो ये कहलाएंगी, जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी कोरलाइड। ओके, अब हमें क्या समझ आया, फंगस के साथ और ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ इनकी रूट्स का क्यों रहा एसोसिएशन? फंगस के साथ रहा, नेचुरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वाटर और अदर कंटेंट प्रोवाइड हो जाएगा।
जब हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो बड़ा रोल प्ले करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई कौन से पेड़ की मेनली किसके साथ एसोसिएट, ये तो हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया ना, माइकोर्जिया और कैरोलॉइड। लेकिन जब आपसे पूछे कि पेड़ कौन सा इन्वॉल्व है, तो जब फंगस के साथ एसोसिएशन है तो जिसकी रूट्स इन्वॉल्व हैं वो पेड़ यहाँ पर पाइनस होता है, ओके। और जब आप बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया के साथ जिसकी रूट्स ऑर्गेनाइज हैं, तो वो साइकस है, तो साइकस की साइनोबैक्टीरिया के साथ ऑर्गेनाइज हैं और पाइनस की फंगस के साथ ऑर्गेनाइज हैं, और ये दो पैटर्न बनते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब अगर हम इनकी ग्रोथ की बात करते हैं, तो ये आपको कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल प्रोवाइड करते हैं। इट्स रिप्रोडक्शन सिस्टम, लाइफ साइकिल इज़ वेरी वेरी कम्प्लेक्स। चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, कुछ वर्ड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा और हम उसको इमेजिन भी करेंगे जो वर्ड यूज़ किए हैं, उन दोनों वर्ड्स का पर्पस होगा। सबसे पहला वर्ड जब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो वो है सीड कोन या फिर ओवुलेट कोन। क्या नाम डाला मैंने? सीड कोन या ओवुलेट कोन। और दूसरा जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है पोलन कोन, तो वो है पोलन कोन। तो एक है सीड कोन और दूसरा है पोलन कोन। अब ध्यान से आप देखिए, अगर आप पेड़ देखेंगे और मेनली पाइन ट्री देखेंगे, तो पाइन ट्री पे आपको एक अनानास जैसा स्ट्रक्चर लटका दिखेगा, कोन जैसा, वो सीड कोन है। बॉडी पे स्केल्स बने हुए हैं ना, तो सीड कोन है। ओवुलेट कोन है, वो ओवरी होगी उसके अंदर। और जब आप बात करेंगे, आपको कुछ स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, कुछ पौधे छोटे छोटे ज़मीन पर ही रहेंगे लेकिन उनके पत्ते इस तरह से निकले रहेंगे और वो आपको पता लग जाएगा कि ये एक तरह का जिम्नोस्पर्म है। तो उसमें आपको नज़र आएगा जैसे खेतों में छल्लियाँ लगी रहती है ना, कई बार छल्ली नहीं लगी रहती, आप नोटिस करना, जो फॉडर लगाया जाता है ना पशुओं के लिए, पट्ठों पर वो गोले से उगते हैं, नोटिस करना, सॉफ्ट से, तो आपको वो नज़र आएंगे, वो लगे होंगे। तो ये सॉफ्ट होते हैं, ये पोलन कोन्स होते हैं। आई बात समझ में? ये दो स्ट्रक्चर आपको ऑब्जर्व हो गए। yes, अब देखते हैं रिप्रोडक्शन में साइकिल कौन सा फॉलो होता है, इसको कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले ये जो अपन को पोलन कोन दिख रहा था, पहले इसी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसमें क्या होगा। हुआ ये है कि दोनों के मामले में, उसके मामले में और इसके मामले में, एक एक्सिस है। एक्सिस यानी कि आप स्टेम मान लीजिए कि एक एक्सिस अवेलेबल है और उसके अराउंड इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में, वो जो मैंने बताया था जैसे बेड में ड्रॉर होता है, अलमीरा में ड्रॉर होता है, उसे खींचो तो एक माउथ है उसका और एक बॉटम है, एक सरफेस है उसका। तो सपोज कीजिए उस पर अपन को बुक रखनी है, एक आई बात समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया है कि वो ड्रॉर जैसी एक शेप है, यहां पर कुंडा लगा होता है ना ड्रॉर का, हम खींच लेते हैं, तो ये जो ड्रॉर का ये जो बॉटम है, इस पर हमने दो काठी रोल जैसी या मूली जैसी चीज़ें रख दी, दोनों आपस में अटैच हैं। समझ आ गई बात? तो अल्टीमेटली इस तरह के सारे स्ट्रक्चर इसके साथ हम अटैच करते जाएंगे सक्सेसिव लेयर्स में, सर्कुलर पैटर्न में इसके अराउंड। तो एक ट्रायंगुलर टुकड़ा मान लीजिए बर्फ़ी का, मैंने यहाँ लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से मैं लगाता ही जा रहा हूँ। फिर उस फर्स्ट टुकड़े के ऊपर एक और लगाया, फिर उसके ऊपर एक और लगाया, लगाते जा रहा हूँ, और हर टुकड़े का यहाँ पर माउथ भी है, तो पूरा ढकता जा रहा है, बंद होता जा रहा है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं। इसलिए जब आप पाइनएप्पल को काटते भी हैं, आप देखेंगे कि वो एकदम प्रॉपर कटेगा, इस तरह से चीज़ें निकलती हैं और सेंटर में आपको एक एक्सिस फील होता है, उसके सेंटर दिखता है ना आपको, एक एक्सिस पूरा नोटिस होता है। और उसमें अंदर से बीज निकले हैं क्या कभी उसके? लेकिन उसके कांटे अंदर तक गए होते हैं। आप उसके स्केल्स उतारते हैं और उसको ऐसे ऐसे काटते हैं तो देखना धारियां ऐसे बनेंगी, सर्कुलर नहीं, दिस वे स्पायरलिंग, जब भी छील के रखा होगा देख लेना, स्पायरलिंग बनेंगी। तो क्योंकि जुड़े ही ऐसे हैं वो, तो क्या होता है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये जिसको हम बोल रहे हैं, मैं जिसको ये ड्रॉर जैसी शेप की बात कर रहा हूँ, ये हैं स्पोरोफिल्स। क्या हैं? स्पोरोफिल्स। तो क्योंकि मैं बात मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात पोलन कोन की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके जो स्पर्म्स हैं, जो सेल्स रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। क्या कहेंगे?
तो माइक्रो स्पोरोफिल, इन माइक्रो स्पोरोफिल्स के ऊपर अटैच है स्पोरेंजिया. क्या अटैच रहते हैं? वो दो काठी रोल जैसे जो इनके ऊपर अटैच रहते हैं वो क्या है? स्पोरेंजिया. तो हम उनको कहेंगे माइक्रो माइक्रोस्पोरेंजिया. आई बात समझ में? स्पोरेंजिया के अंदर क्या अवेलेबल है? स्पोरोसाइट्स. तो हम उनको कहेंगे माइक्रो माइक्रोस्पोरोसाइट्स. स्पोरोसाइट्स जो हैं वो डाइप्लॉइड हैं, तो नेचुरली उनको हैप्लॉइड में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा. हैप्लॉइड में कन्वर्ट होना पड़ेगा. तो वो जब हैप्लॉइड में कन्वर्ट होंगे तो वो हो जाएंगे माइक्रो स्पोर्स. तो एक माइक्रोस्पोर स्पोर बन गया ये. अब ये माइक्रोस्पोर जो है ये गैमेटोफाइट में बदलेगा. किस में बदलेगा? गैमेटोफाइट में बदलेगा. तो यानी कि यहाँ पर ये जो आपने जिसको मैंने माइक्रोस्पोरोसाइट कहा है ना, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहीं कहीं पर माइक्रोस्पोर भी लिखा हुआ है. तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट एक तरह का जो यहाँ पर ये जो 2N वाला पड़ा हुआ है ये एक तरह का मदर सेल है. क्या है? मदर सेल है. तो इसको हम कहेंगे माइक्रो मदर सेल, क्योंकि ये मेल का है ना, या इसको हम कह देते हैं मेल मदर सेल या माइक्रो मदर सेल. ये माइक्रो मदर सेल ही हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है तो जीवन की शुरुआत होती है, माने कि स्पोर्स बनते हैं. आई बात समझ में? तो ये स्पोर्स बनाता है. ये जो स्पोर है इससे आगे जन्म होगा मेल गैमेटोफाइट का. अब क्या वहां पे गैमेटोफाइट कहां पर बनते होते थे? ब्रायोफाइटस की बात करी तो गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है सरफेस पे. ब्रायोफाइटस में इंडिपेंडेंटली गैमेटोफाइट एग्जिस्ट हुआ था ना, एग्जिस्ट हुए थे ना इनके ऊपर. हमने इनको गैमेटोफाइटिक थैलाई कहा था ना, गैमेटोफाइटिक थैलस. टेरिडोफाइटा में भी हमने देखा कि ब्रायोफाइटस में, हमने मॉसेस में देखा पहले प्रोटोनीमा है, प्रोटोनीमा से फिर वो गैमेटोफाइटिक हो गया प्रॉपर. और हमने टेरिडोफाइटा में भी देखा कि स्पोर्स आया और गैमेटोफाइट बना, प्रोथैली कहा हमने उसको. तो वहाँ पर आप देखें सनलाइट भी ये अपने आप में प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होता था गैमेटोफाइट, और ये अपने आप में ही एग्जिस्ट करता था इंडिपेंडेंटली. लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या नज़र आ रहा है, ये रिप्रोडक्शन उस तरह का नहीं है. यहाँ पर रिप्रोडक्शन सीड बेस्ड होगा. तो सीड जो होता है तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है. हार्ड कोटिंग होती है उसके अंदर, कॉटिलेडॉन होता है उसके अंदर, और उसके अंदर एंडोस्पर्मिक न्यूट्रिशन लेयर होती है. इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन वो कहलाता है. इसलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये माइक्रोस्पोर से यहाँ एन से आगे निकल करके क्या क्रिएट होना शुरू हो जाएगा? एन से आगे निकल के क्या क्रिएट होना शुरू हो जाएगा? गैमेटोफाइट. तो ये कहलाएगा मेल गैमेटोफाइट. मेल